नमस्कार, गृहिणी सी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या हाजिर हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले INS डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जन्माष्टमी के अवसर पर दुर्ग में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, यदुवंशी हुए बड़ी संख्या में शामिल। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री से की 13 जिलों के किसानों को विशेष राहत पैकेज देने की मांग, कहा प्रदेश के 13 जिलों में अल्प वर्षा से किसान है परेशान। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न, छत्तीसगढ़ के 7 लाख गरीबों को पक्का मकान देने सहित 14 बिंदुओं पर लिए गए निर्णय। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शनिवार को देर शाम उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आवासहीनों और कच्चे कमरे वाले परिवारों को पक्का आवास मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल शेष सभी 6,99,439 पात्र परिवारों को आवासों की स्वीकृति का निर्णय। डिप्लोमाधारी और डिग्रीधारी स्टाफ नर्सेस को दी गई 3 एवं 4 वार्षिक वेतन वृद्धि की वसूली पर आगामी आदेश तक रोक लगाए जाने का निर्णय, तथा नगरीय निकाय क्षेत्र में उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को संपत्ति कर में छूट दिए जाने का निर्णय सहित 14 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए वाली टिप्पणी पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह उनकी निजी राय हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की ओर से नहीं कह सकता क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूँ कि भारत में सनातन धर्म सदियों पुराना है और अच्छी तरह से स्थापित है। सनातन धर्म की गहराई और वेद पुराणों की शिक्षाएं अतुलनीय है। वो उनके निजी विचार हो सकते हैं। दुनिया में अनेकों धर्म हैं और किसी भी धर्म और उसकी मान्यता पे कोई इस प्रकार के आक्षेप हो, वे व्यक्तिगत के अलावा दूसरे नहीं होने चाहिए। सबको स्वतंत्रता है। सनातन धर्म एक स्थापित जीवन शैली, धार्मिक भाव है और उसका संपूर्ण सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस का इस बयान से क्या? मैं कांग्रेस की ओर से तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं प्रवक्ता नहीं हूं, कांग्रेस की तरफ से तो नहीं बोल सकता, लेकिन अपने तरफ से ये कह सकता हूं कि सनातन धर्म भारत का ये सदियों से चले आ रहा है और स्थापित है। इसने अनेकों परिस्थितियों को देखा है और हजारों साल से जो विचार विद्यमान रह सकते हैं उनमें अत्याधिक गहराई, उसके बिना नहीं होता। नहीं तो कुछ दिन तक कुछ विचार चलता है, वो पुराना हो जाता है, वो छूट जाता है, फिर कुछ दिन तक चला, फिर वो छूट जाता है। चलन होते हैं, वो आते हैं और जाते हैं। सनातन धर्म की गहराइयां, वेद पुराणों की परंपरा और उसका ज्ञान, ये अद्वितीय है। और दुनिया में मैं मानता हूं कि वेद के सार, ज्ञान के सार से बड़ा ज्ञान का स्रोत दूसरा नहीं। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। महावारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता, डॉक्टर हीरा,
गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। सोना उगले उगले हीरे मोती, जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882292714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077111, 7773077122। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जन्माष्टमी के अवसर पर दुर्ग में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, जिसमें यादव समाज के बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। कृष्ण जन्मोत्सव पर शहर में भव्य शोभा यात्रा दुर्ग के पचरी पारा वार्ड से रविवार को निकाली गई। इस अवसर पर सनातन मंच द्वारा आयोजित कृष्ण जन्मोत्सव शोभा यात्रा पचरी पारा दुर्ग से निकलकर शहर का नगर भ्रमण करती हुई गोपाल मंदिर बैगा पारा पहुंची। इस मौके पर यात्रा में धुमाल, भजन गायन, अखिलेश यादव की प्रस्तुति के साथ राउत नाचा, घोड़ा बग्घी और बच्चों द्वारा राधा कृष्ण की मनमोहक झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। शोभा यात्रा में शामिल हुई जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज मैं जिला पंचायत अध्यक्ष पुष्पा यादव आज दुर्ग पचरी पारा से शीतला मंदिर से हम सभी ने भगवान श्री कृष्ण के साथ एक रैली निकाली है, जिसमें हमारे यादव भाई बहन लोग सभी बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ शामिल हैं। क्या संदेश लोगों को? मैसेज यही है कि हम आज अपने यादव समाज की तरफ से सभी प्रदेशवासी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देते हैं। एनएसएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इमाम हुसैन की याद में ईरानी समुदाय द्वारा दुर्ग शहर में निकाला गया मातमी जुलूस, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष व बच्चे हुए शामिल। शहीदाने इमाम हुसैन की याद में 40वीं सालगिरह के मौके पर दुर्ग के ईरानी समुदाय द्वारा मातमी जुलूस निकाला गया। ईरानी कॉलोनी से गांधी चौक, पटेल चौक होते हुए दुर्ग के पुराना बस स्टैंड जुलूस पहुंचा और जहां सभी उपस्थित ईरानी समुदाय द्वारा मातम कमा खत्म हुआ। इस मौके पर जुलूस में अकबरपुर से शामिल मौलाना मोहम्मद आमिर द्वारा तकरीर की गई और जुलूस का उद्देश्य बताते हुए कहा गया कि हम दुनिया को बताना चाहते हैं, क्या ये सच है कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन पर जुल्म हुआ। वहीं इस जुलूस के बारे में जानकारी देते हुए समाज के पाशी अली, अली हुसैन, नासिर अली, शाहरुख हुसैन ने बताया कि जुलूस में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई सहित अन्य जगहों से बड़ी संख्या में ईरानी समाज के महिलाएँ, पुरुष, बच्चे शामिल हुए हैं और इमाम हुसैन को आयोजन नवास रसूल यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के उनवान से यानी उनके सोग में हम लोग शोक मना रहे थे। यह आयोजन फ़कत और फ़कत इसलिए है कि हुसैन शहीद इंसानियत हैं। आज भी अगर आप दुनिया पर निगाह करें और दुनिया में देखें तो एक लफ्ज़ जिसे हर समाज में मोहब्बत मिलती है और जिससे हर इंसान प्यार करता है, उसे शहीद कहा जाता है। लफ्ज़ शहीद का हर मज़हब में, हर धर्म में, हर कास्ट में एहतराम है। क्यों का? इसलिए कि शहीद वो होता है जो अपनी जान अपने लिए नहीं गंवाता, बल्कि अपनी जान को लोगों के लिए गंवाता है। अभी हिंदुस्तान बहुत सारी मौतें होती हैं, बहुत सारे लोगों का इंतकाल होता है, लेकिन अगर ख़बर मिल जाए कि बॉर्डर पे हमारी निगहबानी करने वाला, हमारी हिफाजत करने वाला कोई जवान लोगों की रक्षा करते हुए, लोगों की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया है, तो पूरा हिंदुस्तान उसे सैल्यूट करता है, उसे सलाम करता है। क्यों का? इसलिए कि उसने अपनी जान को अपने लिए नहीं बल्कि मुल्क के लिए दी है। तो कानून यही है कि अगर इंसान अपनी जान को लोगों के लिए गवाए तो उसे सैल्यूट किया जाए, उसे सलाम किया जाए, उसकी याद को मनाया जाए, उसके गम में लोगों को, उसके घर वालों को पुरसा दिया जाए। आज हम जिसकी याद मना रहे हैं, जिसके बारगाह में हम पुरसा दे रहे हैं, ये शहीद इंसानियत हैं। यानी इमाम हुसैन ने यजीद से मुकाबला करके, यजीद के ख़िलाफ़ क़याम करके इंसानियत की हिफाजत की है। और आज ये अलम, ये ताज़िया, ये तमाम तर जुलूस जो काले कपड़े में, सियाह लिबास में लोग जमा हुए हैं, ये फ़कत इसलिए जमा हुए हैं ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके हमारी कौम हुसैनियों की कौम है। हम जब भी क़याम करते हैं तो मज़लूमों से हमदर्दी करते हैं, ज़ालिमों के ख़िलाफ़ क़याम करते हैं। और याद रखिएगा, ये हमारा हमेशा का कानून रहा है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो हम मुल्क के साथ वफादारी भी करते हैं, अपने तमाम तर शहीदों को सैल्यूट भी करते हैं। इसलिए कि मोहब्बत, मुल्क से मोहब्बत निस्व ईमान है, मुल्क से मोहब्बत निस्व दीन है। और अगर आप गौर कीजिए तो इमाम हुसैन जब मदीने से निकले थे तो उन्होंने फ़कत एक मुल्क को चुना था जहाँ आने की ख्वाहिश थी, जहाँ वो आना चाह रहे थे, उस मुल्क को हिंदुस्तान कहा जाता है। आज भी पूरे दुनिया में जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा आज़ादारी को बा
آسانی انسان انجام دے دیتا ہے اس ملک اس ملک کو ہندوستان کہتے ہیں۔ لہذا شہید انسانیت کی یاد منانا اور شہید کے غم میں پرسہ دینا یہ خود ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ امام حسین کا قیام یزید کے خلاف تھا، جو خود یزید لوگوں میں بے حیائی، عریانیت، زنا، ان تمام چیزوں کو عام کرنا چاہ رہا تھا، پھیلانا چاہ رہا تھا۔ حسین نے قیام کر کے کہا، دیکھو میں اپنا خون دے دوں گا لیکن میں انسانیت کا گلا نہیں گھٹنے دوں گا اور ہمیشہ انسانیت کی حفاظت کروں گا۔ امام حسین کی یاد میں ان کے 40ویں کا جلوس تھا، جو ایرانی ڈیرہ سے ہوتے ہوئے اپنا اندرا مارکیٹ میں تلوار اور زنجیر کا ماتم کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد یہ جلوس شہر بھرمن کرتے ہوئے واپس ایرانی ڈیرہ میں سماپت ہو گیا۔ اس جلوس میں تقریباً رائے پور، نانگاؤں، بلاسپور، درگ، بھلائی اور بہت ساری انجمنیں شامل تھیں جو امام حسین کے 40ویں میں یہاں شامل ہوئی ہیں۔ ایرانی سماج کی طرف سے جلوس نکالا گیا ہے۔ ہم پرانا بس اسٹینڈ ہوتے ہوئے، موتی کمپلیکس ہوتے ہوئے اندرا مارکیٹ میں ماتمی جلوس کیا گیا ہے، اور زنجیر و تلوار کا ماتم کر کے اس جلوس کو اپن درگ ایرانی سمجھائے کی طرف سے واپس کیلاواڑی آ چکے ہیں۔ کم سے کم 250-300 لوگ آتے شامل تھے اس میں۔ گرینڈ ایشین نیوز کے لیے درگ سے نسیم فاروقی کی رپورٹ۔ ایک بار پھر وقت ہو چلا ہے چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد جلد ملتے ہیں۔ ٹینشن نہ لو، شیبا لو۔ ننھے ننھے پیاری جان، پڑھیں گے لکھیں گے تبھی تو بنیں گے بھارت کی پہچان، بچوں سے ہی ہے کل کا بھوشیہ، تو آئیے ادے پبلک اسکول میں جلد ہی ایڈمیشن کرائیے۔ جی ہاں، ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں نرسری سے ککشا 8ویں تک۔ آپ کے نکٹ ادے کالج کیمپس نیئر اے سی سی بوگدا پول نندنی روڈ جامل بھلائی میں استھت 2019 سے گنوتا بھر شکشا پردان کرنے والا آپ کے شیتر میں پہلی بار، جس کا نام ہے ادے پبلک اسکول۔ جی ہاں، سبھی ککشاؤں کے لیے نشلک پرویش اسکول نرسری سے ککشا 8ویں تک کے لیے۔ اس ورش پلے گروپ کی بھی شروعات کی جا رہی ہے۔ سرکار دوارا 25% چھاتروں کے لیے مفت شکشا پردان کی جائے گی۔ پرویش کے لیے جلدی کرے، بس وین کی سویدھائیں بھی اپلبدھ ہے، پستکالے سویدھائیں ہے، سی سی ٹی وی کیمرا، سنگیت ککش، کھیل اور سانسکرتک گتیویدھیاں، ملٹی پرپز ہال۔ مہتوپورن دن اور تہواروں کو بھی یہاں منایا جاتا ہے۔ کمپیوٹر لیب اور اسمارٹ کلاس سیکشن سویدھائیں بھی اپلبدھ کی جاتی ہے۔ اگنی سرکشا کے لیے بھی سویدھائیں اپلبدھ ہے۔ بچوں کے انگریزی بولنے پر بھی مہتوپورن دھیان دیا جاتا ہے۔ تو پھر دیری کس بات کی، جلدی کیجیے کیونکہ ایڈمیشن شروع ہو چکے ہیں ادے پبلک اسکول میں۔ آپ کے نکٹ ادے کالج کیمپس نکٹ اے سی سی بوگدا پول نندنی روڈ جامل بھلائی میں۔ اب کسانوں کی سمسیاؤں کا ہوا سمادھان۔ جی ہاں، اب درگ ضلع سہیت انی ضلعوں کے کسان بھی ہوئے خوشحال۔ آپ کے اپنے شہر درگ ضلع میں کھل گیا ہے کملا موٹرز، جہاں اپلبدھ ہے زیادہ تر کمپنیوں کے ہارویسٹر، اچھ کوالٹی کے ہارویسٹر، چلے سالوں سال، کرے کسانوں کو مالا مال۔ پانیسر، سونالیکا، ایس اور کیس گروپ کے سب سے شکتیشالی ہارویسٹر۔ ان میں کئی وشیشتائیں ہیں، جیسے آٹو کلینر، ریڈیئٹر، 5 سپیڈ والا گیئر باکس، پاور کوٹنگ، ریل ٹائن، اتیادھک ٹکاؤ فنگرز، اسٹینلیس اسٹیل کٹر بار، نئی مضبوط باڈی اور نئے گرافکس۔ کملا موٹرز کی وشیشتائیں، کشل ایوم جانکار انجینئرز دوارا ہارویسٹرز کی جانکاری اپلبدھ کرانا، سب سے بہتر سروس سہیت کسانوں کو اچت صلاح دے کر کسانوں کو ہارویسٹر کے ذریعے اتیادھک لابھ دلانا، ساتھ ہی
कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड गंजपारा दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। स्वागत है। नगर निगम भिलाई के हॉस्पिटल सेक्टर स्थित एचवीसी वॉलीबॉल ग्राउंड में शुक्रवार की शाम एचवीसी भिलाई के दो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों कुमारी आकांक्षा एवं कुमारी पलक हिरानी को सम्मानित किया गया। कुमारी आकांक्षा बनाफर एचवीसी और छत्तीसगढ़ राज्य की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने इस वर्ष बेंगलोर में भारतीय वरिष्ठ महिला वॉलीबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया है। वहीं कुमारी पलक हिरानी पहली एचवीसी वॉलीबॉल खिलाड़ी है जिन्होंने 5 बार छत्तीसगढ़ राज्य वॉलीबॉल टीम की प्रतिनिधित्व किया है और इस वर्ष इन्होंने नीट परीक्षा पास की है। इस अवसर पर एमआईसी सदस्य सिजू एंथोनी, इंद्रजीत सिंह, छोटू विनोद नायर, सुधीर खंडेलवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे इन दो बच्चों की। सच बताऊं तो मैं अभी अपने उद्बोधन में कह भी रहा था कि इन्होंने एक बेंचमार्क तैयार किया है, एक बच्चों के लिए एक आदर्श बने हैं, लोगों के लिए एक उदाहरण बने हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेल तथा खेल के साथ साथ पढ़ाई कैसे हम कर सकते हैं। पलक हिरानी पिछले 5-6 सालों में 5 नेशनल खेली तथा अभी नीट का एग्ज़ाम पास की, बहुत बड़ी उपलब्धि है। नीट का एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान नहीं होता। अपने कोचिंग सेंटर से इन्होंने टॉप किया। और दूसरी बच्ची आकांक्षा बानाफर, वो भी पिछले 5-6 सालों से यहाँ हमारे एचवीसी ग्राउंड में ट्रेनिंग ले रही थी। पिछले साल 12th पास करने के बाद वे साई सेंटर ट्रिवेंड्रम में उनका एडमिशन हुआ और इस साल सीनियर इंडियन वुमेन्स टीम के कोचिंग कैंप में उनका नाम आया है। ये कम उपलब्धि नहीं है। इन दोनों बच्चों के लिए हैट्स ऑफ। और ऐसे ही बच्चे हमारे मेहनत करते रहे तो ऐसा दिन दूर नहीं कि हमारे छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल टीम एक दिन नेशनल स्तर पर रैंकिंग में आएगी। ये तो एक, सच बताऊँ तो एक बीमारी है। मैं हर बच्चों को यही बोलता हूँ, बेटा जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो तब तक सिर्फ आपके दिमाग में सिर्फ दो ही बातें होनी चाहिए, पढ़ाई तथा खेल। और ये बच्चों के माँ बाप की भी मैं कहूँगा कि थोड़ी गलतियाँ हैं कि वो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं कि भाई बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। थोड़ा सा बच्चों को, थोड़ा माँ बाप की तरफ से भी थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए तो बच्चे अच्छे राह पे आ सकते हैं। खेल पे अगर ध्यान देंगे तो अच्छे स्तर पे जा सकते हैं। यहाँ पे जो टीम खेलती है, हमारे विनोद नायर जी हैं, यहाँ कोच हैं, कई वर्षों से देख रहा हूँ उनको। पहले हुडको क्लब में किया करते थे और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग करके आज इंडिया टीम में ले आए, ये उनकी उपलब्धि है। उनके साथ हमारे भाई धारकर जी हैं, सभी यहाँ के जो वरिष्ठ जो लोग हैं इनको जो ट्रेनिंग दिए हैं
और साथ साथ में बच्चे सेकंड जो बिटिया उसका नाम क्या है, पलक जी हैं, यहाँ पढ़ते पढ़ते उनके नीट भी क्लियर कर ली है। भिलाई में भिलाई एजुकेशन हब है, साथ साथ खेल का भी हब है। ये आज हमको समझ में आया, सबको समझ में आता है, पढ़ने के साथ साथ यहाँ खेल की भी जो प्रतिभा है वो तो देश विदेश में यहाँ के बच्चे नाम कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा वो है, साधन है खेल, जिससे बच्चा मोबाइल इससे सब दूर रहता है, खेलता है अपना, ये सब चीज़ से गलत कामों में नहीं रहता। सर सिर्फ वॉलीबॉल नहीं सिखाते हैं, सर हम लोग को लाइफ के बहुत सारे लेसन भी सिखाते हैं, जो हमें थ्रू आउट द लाइफ बहुत काम आने वाले हैं। आज मैं यहाँ पे हूँ जितना भी है पेरेंट्स की वजह से और विनोद सर के वजह से। अभी जहाँ तक भी मैं पहुँच पाई हूँ वो सब विनोद सर और मेरे पेरेंट्स के लिए है। अभी सर मुझे स्टार्टिंग से बोलते थे कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे रह के सर हम सबको बुलाते थे मगर वहाँ का हम आते नहीं थे, क्योंकि हमें लगता था जितना है उतना हो जाएगा। बाहर जाने के बाद पता चला कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बस अब जैसे हम जैसी प्रैक्टिस चल रही है हमारी, वैसे अब सीनियर लेवल का कैंप हमें जैसे मिला, वैसे हम और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो सीनियर लेवल में आ सकते हैं। सहयोग जैसे सारे जितने कोचेस हैं वो हमें बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, हमें गेम को लेके, पढ़ाई को लेके, सब को लेके, कि दोनों बैलेंस होना चाहिए। उसके लिए हमें वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, क्योंकि सिर्फ खेल के साथ आप एक लेवल तक ही जा सकते हैं। अगर आपकी दोनों चीज़ रहेगी तो आप थोड़ा ज़्यादा आगे। उनके लिए कि एक वो लाइफ ही होती है, हम जिस एज में हैं सबकी वैसी लाइफ होती है, तो उन सब चीज़ को आप बैलेंस करके जितना चल पाएंगे, स्पोर्ट्स, पढ़ाई, सब को लेके, वो एक बैलेंस वे में होना चाहिए। गुड इवनिंग, मैं पलक हिरानी। मैं वॉलीबॉल स्टार्ट की जब मैं क्लास 8 में थी। मैंने 5 नेशनल खेले हैं। ये सारी चीज़ों का क्रेडिट सिर्फ सर को रहता है, विनोद सर को। वो मेहनत जो सर ने हमारे पीछे की है, वो एक एक बच्चे को तलाशने में जो सर मेहनत करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई इतनी मेहनत कर सकता है। और उसके लिए हम सर का दिल से धन्यवाद करते हैं। इवन मेरी नीट की जर्नी में भी, जब मैं ग्राउंड में कंटिन्यू नहीं थी तब भी सर का मेरे पास फ़ोन आता था, मेरी पढ़ाई से रिलेटेड मुझसे पूछते थे। सर ने हर चीज़ में सपोर्ट किया, सिर्फ वॉलीबॉल ही, ओवरऑल हर चीज़, किसी भी टाइप का कोई भी इशू, सर का सपोर्ट हमेशा है। हाँ, वो निकालना पड़ता है, जब कुछ करना होता है तो उस चीज़ का डेडिकेशन आता है। वॉलीबॉल में क्यों ना हो, जब हम खेलते भी हैं तब भी डेडिकेशन से खेलो तो खुद ही सारी चीज़ें होती हैं, मेहनत करनी पड़ती है, बाकी तो। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मांग की है कि प्रदेश के लगभग 13 जिलों में औसत से कम वर्षा हुई है, अब वर्षा काल भी करीब करीब समाप्ति पर है। कम वर्षा से उन 13 जिलों में फसल कम हुई, पैदावार कम हो रही है, इसलिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का कर्तव्य है कि वहां से अनावारी रिपोर्ट मंगाए, कलेक्टरों को निर्देश करके कि 1-2 दिन के अंदर वहां से रिपोर्ट पेश करे, और जिन 13 जिलों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई वहां के किसानों को राहत पैकेज देने की कोई ना कोई घोषणा भूपेश सरकार करे। करीब 13 जिलों में कम वर्षा हुई है औसत से, अब वर्षा काल भी करीब करीब समाप्ति पे है, और कम वर्षा से उन 13 जिलों में फसल कम हुई, फसल को नुकसान हुआ है, पैदावार कम हो रही है, और इसलिए यह छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का कर्तव्य है कि वहां से अनावारी रिपोर्ट मंगवाए, कलेक्टरों को निर्देशित करे कि 1-2 दिन के अंदर वहां से रिपोर्ट आए, और जिन 13 जिलों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई वहां के किसानों को राहत पैकेज देने की कोई ना कोई घोषणा भूपेश की सरकार करे, यहां की कांग्रेस की सरकार करे। वहां के किसान चिंतित हैं कि आज तक सरकार इस पर कोई चर्चा नहीं कर रही, कोई बयान नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। कलेक्टर ने नीचे के अधिकारियों को निर्देशित नहीं किया है, और इसलिए जिन 13 जिलों में प्रदेश के पर्याप्त वर्षा नहीं हुई वहां के किसानों के लिए भूपेश सरकार को, राज्य सरकार को अलग से विशेष पैकेज देने की तत्काल घोषणा करनी चाहिए, यह हमारी मांग है। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।